नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैथ सेकंड के प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर सेट नंबर 10 सॉल्व करना है। दोस्तों एक खुशी की बात बताना चाहता हूं कि अपनी बोर्ड एग्जाम अभी जून में होगी और बारहवीं की एग्जाम मई मंथ में होगी। ये जो पीरियड आपको मिला है इस पीरियड का अच्छी तरह से उपयोग करना जरूरी है। इस पीरियड में अभी प्रैक्टिस कर लो दोस्तों, आपको मार्किंग स्कोर करना बहुत आसान हो जाएगा। इसके लिए चलो देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आज के क्वेश्चन पेपर में ये फिगर यहां पर दी है, ए बी इज पैरेलल टू, यहां पर ए बी यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। देखो इस ए बी इज पैरेलल टू द क्यू आर, ये दोनों पैरेलल है, ए बी इज पैरेलल टू द क्यू आर एंड बी सी इज पैरेलल टू पी क्यू। तो देखो यहां पर बी सी इज पैरेलल टू द पी क्यू, ये गिवन है दोस्तों। तो इस गिवन को यहां पर राइट कर दिया है। ये पैरेलल देखो, ग्रीन को ग्रीन पैरेलल है और रेड को रेड पैरेलल है। ओके okay, और यहां पर एक महत्वपूर्ण बात दी है, एंगल पी क्यू आर, ये एंगल 130 डिग्री का आपको यहां पर दिया है। ये बात आपको ध्यान में लेना है, यहां पर ये एंगल आपको दिया है 130 डिग्री, ये ग्रीन एंगल दिया है आपको। वन डिटरमाइन एंगल ए बी सी, इस एंगल को आपको फाइंड आउट करना है। दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जब इफ टू लाइंस आर पैरेलल इंटरसेक्टिंग देम बाय ट्रांसवर्सल, इस प्रकार जब ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगी, ये दो लाइन आपको यहां पर दी हुई है, इन दोनों लाइन को सपोज दैट लाइन एल एंड लाइन एम, अज्यूम करो कि ये दो लाइन है, इंटरसेक्टिंग देम बाय ट्रांसवर्सल, देन हियर अल्टरनेट एंगल्स corresponding angles and interior pair of angles are formed. जब आपको ये प्रॉपर्टी यहां पर याद आ जाएगी तो ये बहुत इजी हो जाएगा। देखते हैं यहां पर आपको क्या दिया है दोस्तों। गिवन मैं यहां पर राइट कर लेता हूं, गिवन दिया है, देखो मैं यहां पर देखकर राइट कर रहा हूं, ये दिया है, मैं एज इट इज राइट कर लेता हूं। क्या दिया है, ए बी इज पैरेलल टू द क्यू आर एंड बी सी, यहां पर ग्रीन में दे देता हूं, बी सी इज पैरेलल टू द पी क्यू, इस प्रकार ये गिवन दिया है। और एक बात, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 113 डिग्री, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 113 डिग्री दिया है। ओके okay. और आपको यहां पर ए बी सी निकालना है, तो मैं यहां पर राइट कर देता हूं, देयर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एक्स डिग्री अज्यूम कर लेते हैं। ओके okay? लेट कर लेता हूं, अज्यूम कर लेता हूं। तो चलो यहां पर देखो दोस्तों, जब मैं थोड़ा यहां पर इस लाइन को ऐसा कंस्ट्रक्ट कर दूंगा, एक्सटेंड कर दूंगा, ये देखो ये येलो कलर में जो लाइन है ये मैंने एक्सटेंड कर दिया, यहां पर भी ये एक्सटेंड कर देने के बाद आपको इस प्रकार की फिगर यहां पर दिखने लग गई है। देखो ये ट्रांसवर्सल को भी मैं और इंक्रीज कर देता हूं, तो यहां पर देखो, यहां पर ये लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये येलो वाली लाइन, इसका नाम है यहां पर पी क्यू। ओके ये पी क्यू लाइन और ये बी सी लाइन एक्सटेंड किया है, दीज टू लाइन्स आर पैरेलल इंटरसेक्टिंग देम बाय ट्रांसवर्सल, इसका नाम है क्यू आर। ओके तो यहां पर ये ग्रीन वाला एंगल और ये ग्रीन वाला एंगल, ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो इसका मेजरमेंट यहां पर 113 डिग्री है, ये 113 डिग्री है, तो ये भी 113 डिग्री आएगा। ओके तो मैं यहां पर ऐसा राइट कर सकता हूं दोस्तों, यहां पर एंगल एंगल
पी क्यू आर इज इक्वल टू 130 डिग्री 13 डिग्री सॉरी एक्सट्रीमली यहां पर पी क्यू आर दिया है. इसको मैं कांग्रुएंट डायरेक्ट राइट कर देता हूं. एंगल पी क्यू आर इज कांग्रुएंट एंगल सी, यहां पर एक नाम दे देता मैं, एन नाम दे देता, एन नाम सी एन आर, बिकॉज अल्टरनेट सॉरी करस्पॉन्डिंग एक्सट्रीमली सॉरी करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो मैं यहां पर उसका नाम दे देता हूं बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स. ओके, ये आपको ध्यान में आ गया है, इसको मैं इरेज कर देता हूं प्लीज. ओके दोस्तों, तो चलो देखते हैं यहां पर ये, तो इसके लिए ये पी क्यू आर की वैल्यू आपको मालूम है यहां पर 113. तो एंगल सी एन आर इज इक्वल टू ऑल्सो 113 डिग्री. सी एन आर इज इक्वल टू ऑल्सो 113 डिग्री. ओके, अभी देखो दोस्तों यहां पर आपको ये दो लाइन ए बी लाइन दिखाई दे रही है, ए बी लाइन और क्यू आर लाइन, आर बी एन इज द ट्रांसवर्सल. इस प्रकार देखो इसी दो लाइन पैरेलल लाइन है, यहां पर मैं इस ये दो लाइन, एक मिनट आपको मैं थोड़ा इन डिटेल में बताने की कोशिश करता हूं. दोस्तों देखो ये ए बी लाइन है और ये क्यू आर लाइन है. ओके, ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये बी सी ट्रांसवर्सल आपको दिखाई दे रही है. तो देखो यहां पर यहां से आपका पॉइंट है ये बी है और यह ए है, यहां पर आपने एन पॉइंट दिया है और ये है आर. यहां पर ए एंगल 113 डिग्री का दिया है, तो ये एंगल और ये एंगल इसका एक्स है. इंटीरियर पेयर ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. ओके, इस प्रकार ये लाइन है तो एरो बताना जरूरी है, ये रफ वर्क है. तो आपको मैं यहां पर एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों. देयरफॉर हियर लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन एन आर एंड बी एन इज ट्रांसवर्सल, इज ट्रांसवर्सल. ये ट्रांसवर्सल है तो फिर क्या होगा, यहां पर इंटीरियर पेयर ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट. तो देखते हैं एंगल एन प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय यूजिंग इंटीरियर पेयर ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. ओके, आपको यहां पर ये एंगल एन का मेजरमेंट मालूम है 113 डिग्री. 113 डिग्री प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, तो चलो दोस्तों फिर यहां पर एक काम करेंगे, ए बी सी का मेजरमेंट निकालना है तो ए 113 को शिफ्ट कर देंगे आर एच एस की ओर. ओके, तो यहां पर बाय कैलकुलेशन आपको मिल जाएगा एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 माइनस 113 डिग्री. इनके दोनों की सब्ट्रैक्शन करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा 67 डिग्री. तो यहां पर आप आंसर राइट कर सकते हैं मेजर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू, फाइनली ऐसा राइट कर सकते हैं डिटरमाइन ए बी सी, ऐसा सवाल आपको यहां पर पूछा है. तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 67 डिग्री. ओके दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आता होगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, थैंक यू. चलो दोस्तों यहां पर देखो एग्जांपल नंबर सेकंड में, इफ टू एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल आर इक्वल, यहां पर एंगल ए और एंगल सी ये एक्यूट एंगल है और एक कांगुरेंट आपको दिया है. इफ टू एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल आर इक्वल,
सपोज दैट अजूम कर लेते हैं दोस्तों, लेट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एक्स डिग्री, अजूम कर लेते हैं। देन फाइंड द मेजर ऑफ एक्स एंगल, और यहां पर ये राइट ट्रायंगल है तो एक एंगल ये 90 डिग्री का आता है। तो वी हैव एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, वी हैव एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये है एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ओके, देन नाउ पुटिंग द गिवन वैल्यूज, गिवन वैल्यूज। ओके, यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, x की वैल्यू है x डिग्री। ओके, x की वैल्यू है x डिग्री प्लस b की 90 डिग्री आपको दिया है प्लस c की है x डिग्री इज इक्वल टू 180 एज। देन कलेक्टिंग लाइक टर्म्स, यहां पर x प्लस x 2x प्लस ए 90 एज इट इज राइट करेंगे प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी इस 90 को RHS की ओर शिफ्ट कर देंगे तो आपको यहां पर आंसर मिल जाएगा 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, 180 माइनस 90। तो इसका आंसर यहां पर आ जाएगा दोस्तों 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री। देन नाउ क्या करेंगे, अभी x की वैल्यू आपको निकालना है तो 2 को शिफ्ट कर देंगे, मतलब 2 यहां पर मल्टीप्लाई कर रहा है तो डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड, डिवाइड बाय 2 कर दो तो यहां पर 2 गेट कैंसल हो जाएगा, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, x इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो दोस्तों यहां पर फाइंड द एक्यूट एंगल, द मेजर ऑफ एक्यूट एंगल इज 45 डिग्री, इस प्रकार आपको आंसर मिल जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट x ऑन अ नंबर लाइन इज 3। यहां पर x लाइन है, सपोज दैट अज्यूम कर लेते हैं दोस्तों x लाइन है। ओके, ये है आपके पास यहां पर x लाइन। ओके, और इस x लाइन पर आपको यहां पर एक पॉइंट दिया है, द कोऑर्डिनेट ऑफ x ऑन अ नंबर लाइन इज 3। तो यहां पर मैं अज्यूम कर लेता हूं x पॉइंट। ओके, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन द सेम लाइन विच आर 8 यूनिट्स अवे फ्रॉम x। यहां से इधर भी एक पॉइंट है 8 डिस्टेंस पर। ओके, और दोस्तों इधर भी एक पॉइंट है। ओके, वो भी है 8 डिस्टेंस पर। सपोज कर लेते हैं यहां पर दोस्तों कि यहां पर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच इज लेफ्ट टू एक्स, लेफ्ट ए लेफ्ट हैंड साइड है और ए राइट हैंड साइड है। तो ये एक्स का कोऑर्डिनेट यहां पर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच इज लेफ्ट। ओके, तो यहां पर आएगा 5 माइनस 8, सपोज दैट यहां पर 5 है। तो यहां पर जो पॉइंट आपको ये मिलने वाला है तो ए पॉइंट आएगा सपोज ए, तो इसका कोऑर्डिनेट 5 माइनस 8 इज नॉट पॉसिबल, तो 8 माइनस 5 इज 3, साइन ऑफ द बिगर नंबर। इधर देखो दोस्तों, इधर भी 8 प्लस कर देंगे
क्योंकि आरएचएस को भी 8 प्लस कर देंगे, किसमें एक्स का कोऑर्डिनेट 8 प्लस कर देंगे इस 5 में, तो 8 प्लस 5 आपको ये पॉइंट भी यहां पर मिल जाएगा। सपोज दैट वो पॉइंट है बी, तो ये बात आपको यहां पर ध्यान में लेना है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां पर ये 8 डिस्टेंस है आरएचएस की ओर इस प्रकार, तो बी का कोऑर्डिनेट भी आपको मिल जाएगा 13। इस प्रकार दोस्तों यहां पर आपको द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स विच आर 8 यूनिट्स अवे फ्रॉम ए आर, आपको यहां पर एक आंसर मिल गया है -3 और दूसरा मिल गया है 13, तो मैं यहां पर -3 एंड 13 राइट कर देता हूं। ओके चलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर, क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स आपको दिए हैं। यहां पर एक रफ फिगर में क्वाड्रिलेटरल की ड्रॉ कर लेता हूं, आपके ध्यान में आ जाएगा। सपोज दैट ये क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है, ओके नाम दे देता हूं ए बी सी डी। ओके द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो, लेट द कॉमन मल्टीपल, अज्यूम कर लेते हैं, लेट द कॉमन मल्टीपल ऑफ द गिवन रेशियो बी एक्स, देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 3x, मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 5x, मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 9x, मेजर ऑफ एंगल डी इज इक्वल टू 13x। तो देखो दोस्तों यहां पर राइट कर देते हैं, इसका एंगल बी का एंगल, सी का मेजर और डी का मेजर। ए का मेजर यहां पर आपको दिया है 3x, बी का दिया है 5x, सी का दिया है 9x और डी का दिया है 13x। ओके आपको प्रॉपर्टी मालूम है, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360, तो मैं यहां पर राइट कर सकता हूं वी हैव एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके यहां पर राइट कर सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ओके तो चलो यह है पुटिंग द गिवन वैल्यूज, पुटिंग द गिवन वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दो दोस्तों। यहां पर एंगल ए की वैल्यू आपको मालूम है क्या है, 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इज इक्वल टू 360 डिग्री। अभी इन सब x की यहां पर मल्टी एडिशन हो जाएगी, 3 प्लस 5 8, 8 टू 16 17, 17 20 30, यहां पर इसका आंसर आया है 30x इज इक्वल टू 360 डिग्री। आपको x की वैल्यू निकालना है तो डिवाइड बाय 30 ऑन बोथ साइड, तो ये 30 यहां से कैंसल हो जाएगा, आपको x की वैल्यू यहां पर मिल जाएगी दोस्तों। तो देखो यहां पर ए जीरो भी गया, ए जीरो गया, 3 की टेस्ट लग जाती है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो x की वैल्यू आपको यहां पर 12 डिग्री मिल गई है।
तो अभी अपने एंगल आपने यहां पर मेजर अजूम किए हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 12 इज इक्वल टू 36 डिग्री। इस प्रकार आपको एंगल बी का भी मेजरमेंट मिल जाएगा। एंगल बी इज इक्वल टू 5x मीन्स 5 इंटू 12 इज इक्वल टू 60 डिग्री। उसके बाद आपको एंगल डी भी मिल जाएगा। आप पहले यहाँ पर सी निकाल लेते हैं। एंगल सी इज इक्वल टू 9 × 12 आएगा 108 डिग्री। अभी इसके बाद आपको मिल जाएगा नेक्स्ट आंसर। एंगल डी इज इक्वल टू, डी का मेजरमेंट है 13x, 13 × 12 13 × 12 करो, उसका आंसर आएगा दोस्तों 156 आंसर डिग्री आ जाएगा। आपको अपना आंसर चेक करना है तो इन सब की एडिशन कर लो, यहाँ पर एडिशन 360 आएगी तो अपना आंसर बराबर है। ये टैली है दोस्तों, समझने की कोशिश करना है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, यहाँ पर बराबर आंसर राइट कर दो, 156 डिग्री इज द आंसर। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए फ्रॉम द वाई एक्सिस। दोस्तों आपको यहां पर एक रफ फिगर अंडरस्टैंडिंग के लिए बताता हूं। सपोज दैट ए वाई एक्सिस है और ए एक्स एक्सिस है, सपोज दैट। ओके, ये दोनों एक्सिस यहां पर ड्रॉ करने के बाद आपको रफ है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है। सपोज दैट ये ओरिजिन है एक्स एक्स डैश, ऐसा नाम मैं उसको दे देता हूं, वाई वाई डैश। ये ओरिजिन है तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0 0 होते हैं, यहां पर दोनों 0 0 है, ये ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स। तो यहां पर 1 2 3 4 बस मैक्सिमम 4 तक जाना है, दोनों प्लस है तो प्लस की ओर दे देता हूं, 1 2 3 y की ओर देखो, ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, y की वैल्यू 3 तक जाना है, मतलब ये पॉइंट सपोज दैट यहां पर आएगा, ए पॉइंट, ये ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x की वैल्यू देखो यहां पर 4 है और y की वैल्यू देखो यहां पर 3 है। ओके, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो अभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए फ्रॉम द y एक्सिस, तो y एक्सिस पर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं दोस्तों यहां पर। ओके, तो ये जो पॉइंट है यहां पर, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट सपोज दैट यहां पर ए पॉइंट में ले लेता हूं b। ओके, तो b के कोऑर्डिनेट आपको पूछूंगा तो आप x की वैल्यू 0 राइट करेंगे और y की वैल्यू 3 राइट करेंगे, तो आपके यहां पर ध्यान में आ जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इज इक्वल टू इन द स्क्वायर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन ब्रैकेट स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन ब्रैकेट स्क्वायर। ये आपके ध्यान में यहां पर आ गया है दोस्तों। ओके, तो देखो सपोज कर लेता हूं मैं यहां पर इसको, ये एक्स वन वाई वन है, ये एक्स टू वाई टू है, तो चलो पुटिंग द गिवन वैल्यूज इन द स्क्वायर रूट, यहां पर ये देखो ये दो ब्रैकेट है, फर्स्ट का भी स्क्वायर है सेकंड का भी स्क्वायर है, दोनों के अंदर माइनस साइन है, तो एक्स टू है अपना 4 4 - 0 और ये वाई टू है अपना 3 और वाई वन है 3, तो यहां पर अंडर रूट में आ जाएगा दोस्तों, यहां पर 4 - 0 4 4 का स्क्वायर प्लस 3 - 3 0 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा इज इक्वल टू यहां पर आ जाएगा 16। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड तो 4 डिस्टेंस आ जाएगा। इस प्रकार आपको यहां पर आंसर मिल जाएगा दोस्तों। तो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए 4 3 फ्रॉम वाई एक्सिस इज इक्वल टू 4। ओके,
यहां पर ए सेंटेंस एज इट इज राइट करना है, एज इट इज द परपेंडिकुलर, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए, जिसका कोऑर्डिनेट्स आपको दिया है, फ्रॉम y एक्सिस इज इक्वल टू 4 यूनिट, ऐसा आंसर राइट कर देंगे दोस्तों। ओके चलो देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 को। इन अ ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई ट्रायंगल नाम देना है, राइट एंगल्ड एट y, तो यहां पर राइट एंगल है तो इसका नाम मैं y दे देता हूं, तो रिमेनिंग एंगल्स अपने आएंगे x, ये x आएगा y और ये आएगा z। ओके तो राइट एंगल की अपोजिट साइड एक्स जेड ये आएगी हाइपोटेन्यूस। ओके तो आपको यहां पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ टैन जेड पूछा है। दोस्तों मैंने आपको इसके पहले बेस में एक बात बहुत अच्छी तरह से बताई है, आपको याद होगी तो बहुत अच्छा है, यदि नहीं होगी तो प्लीज अटेंशन हियर, इधर एक बात ध्यान दो दोस्तों, मैंने बेस में आपको इसको बताया है, याद रखना दोस्तों। देखो जब साइन थीटा मैं राइट करता हूं, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, दोस्तों ये बेसिक है, इसको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए ध्यान में रखना है, ये रफ वर्क है, इसके यहां पर राइट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो साइन थीटा का रिलेशन मैंने आपको बताया है, यहां पर हर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो के पास थीटा है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ओके तो अपोजिट साइड ऑफ थीटा, अपोजिट साइड ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, और कॉस थीटा होता है एडजसेंट साइड ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय एडजसेंट साइड ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। फिर उसके बाद टैन थीटा इज द रेशियो ऑफ साइन एंड कॉस, तो हाइपोटेन्यूस कट हो जाएगी, यहां पर आएगा अपना अपोजिट साइड ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय एडजसेंट साइड ऑफ थीटा। तो आपको यहां पर टैन जेड मतलब ये जेड एंगल को थीटा दिया है, तो टैन थीटा का रेशियो आपको यहां पर मालूम है, देखो अपोजिट साइड अपॉन एडजसेंट साइड, तो मैं यहां पर टैन थीटा राइट करता हूं दोस्तों, टैन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय एडजसेंट साइड ऑफ थीटा। तो चलो थीटा की जगह पर जेड है तो जेड सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, टैन जेड इज इक्वल टू जेड की अपोजिट साइड है ये, और ये है एडजसेंट साइड। ओके तो अपोजिट साइड का नाम है एक्स वाई और एडजसेंट साइड का नाम है वाई जेड, दिस इज द फाइनल आंसर। इतना इजी है दोस्तों, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो। चलो देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट, हाउ मेनी प्लांट्स ईच ऑफ विच इज 5 मीटर लॉन्ग 2.5 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 4 सेंटीमीटर थिक कैन बी कट ऑफ फ्रॉम वुडन ब्लॉक 6 मीटर लॉन्ग 15 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 40 सेंटीमीटर थिक। तो दोस्तों आपको यहां पर डायमेंशंस ऑफ वुडन ब्लॉक भी दिया है, तो देखो मैं यहां पर राइट करता हूं आंसर में, डायमेंशंस ऑफ वुडन ब्लॉक इज इक्वल टू आर 5 मीटर मींस 500 सेंटीमीटर। ओके उसके बाद 2.5 सेंटीमीटर, उसके बाद 4 सेंटीमीटर
दिया है यहाँ पर, 5 दिया है, डायमेंशंस ऑफ 5 सेंटीमीटर दिया है, 2.5 सेंटीमीटर दिया है और 4 सेंटीमीटर दिया है. ओके उसके बाद देखो दोस्तों नेक्स्ट गिवन है डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स. डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स आर, प्लैंक्स देखो 5 मीटर लॉन्ग है, 5 मीटर है. तो वुडन डायमेंशंस ऑफ वुडन यहाँ पर दिया है 6 मीटर लॉन्ग, 15 सेंटीमीटर. सॉरी मैंने यहाँ पर ये जो वुडन ब्लॉक नहीं है, ये जो है दोस्तों वुडन ब्लॉक का रीडिंग ये नीचे राइट है इसका है. 5 मीटर इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर. ये रीडिंग ये प्लैंक की है और वुडन ब्लॉक की रीडिंग नीचे दी है. ओके तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो वुडन ब्लॉक की रीडिंग नीचे दी है 6 मीटर मीन्स 600 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर ऐसा दिया है दोस्तों. ओके तो यहां पर आप ये वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक निकाल सकते हैं. वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक, वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट. ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये हाइट है, उसका भी सेम है. ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये हाइट है. तो इज इक्वल टू आपको यहां पर मिल जाएगा 600. या फॉर्मूला पहले राइट कर देते हैं दोस्तों. फॉर्मूला है अपना L इंटू बी इंटू एच. तो सब्स्टिट्यूट वैल्यू यह 600 इंटू 15 इंटू 40. ओके तो वॉल्यूम ऑफ प्लैंक भी निकाल सकते हैं. तो नाउ वॉल्यूम ऑफ प्लैंक, प्लैंक भी क्यूबॉइड है, क्यूब है, क्यूब शेप, क्यूबॉइड शेप है LBH. तो प्लैंक का रीडिंग ऊपर है, नीचे है. ये देखो ये प्लैंक का है, L इंटू बी इंटू एच. तो वैल्यूज डाल दो, 500 इंटू 2.5 इंटू 4. ओके तो यहां पर सेंटीमीटर का क्यूब यूनिट आएगा, यूनिट बाद में देते हैं, लेकिन यूनिट तो देना जरूरी होता है, ये बात ध्यान में रखना. अभी यहां पर एक फार्मूला आपको क्रिएट करते आएगा, नंबर ऑफ प्लैंक्स, नंबर ऑफ प्लैंक्स, नंबर ऑफ प्लैंक्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक, वुडन ब्लॉक डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ प्लैंक, वॉल्यूम ऑफ प्लैंक सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन वैल्यूज. तो चलो दोस्तों यहां पर वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. नंबर ऑफ प्लैंक्स इज इक्वल टू वुडन ब्लॉक का वॉल्यूम यहां पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में निकाला है और प्लैंक का सेकेंड में निकाला है. सब्स्टिट्यूट करो तो वुडन ब्लॉक है ऊपर वाला, दैट इज 600 मल्टीप्लाई बाय 15 इंटू 40 डिवाइडेड बाय इसका आएगा 500 मल्टीप्लाई बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय 4. तो देखो सिंप्लीफिकेशन की बात है, यहां पर ये दो जीरो गए, ये दो जीरो गए. उसके बाद देखो यहां पर 6 इंटू एक काम करता हूं मैं और एक इससे बीजी, 5 1 5 5 3 15. ओके 4 1 4 4 10 40. तो अपने पास यहां पर बचा है जो बचा है वो राइट डाउन करना है. ओके नंबर ऑफ प्लैंक्स, नंबर ऑफ प्लैंक्स इज इक्वल टू 6 × 3 × 10 डिवाइडेड बाय 2.5
पॉइंट का सिंप्लीफिकेशन जब आता है बहुत इजी होता है दोस्तों। इसके पास पॉइंट है, इसको भी एक पॉइंट दे देते हैं, पॉइंट के बाद एक डिजिट दे देते हैं, तो ये बन गया अभी 30 और ये बन गया अभी 25, ऐसा ही वो इलिमिनेट हो गया पॉइंट। ओके, तो 5 की डेस्ट लगा देते हैं यहां पर, 5 जा 25, 5 6 जा 30, अभी 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो अपना यहां पर आंसर आ गया 6 6 जा 36 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 72। नंबर ऑफ प्लैंक्स, नंबर ऑफ प्लैंक्स इज इक्वल टू 72 इज द फाइनल आंसर। चलो दोस्तों एग्जांपल नंबर 2 सॉल्व करते हैं। द सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द थर्ड एंगल, डिटरमाइन द मेजर ऑफ एंगल। द सम ऑफ द एंगल, द सम ऑफ टू एंगल्स, सपोज दैट मैं यहां पर एक फिगर निकालता हूं दोस्तों, सपोज दैट मैंने यहां पर एक फिगर निकाली है ट्रायंगल एबीसी। ओके, ट्रायंगल एबीसी की फिगर निकाल लेते हैं, रफ वर्क है दोस्तों। ओके, यहां पर इसका नाम दे देते हैं ए बी और सी। द सम ऑफ टू एंगल्स, सपोज दैट एंगल बी एंड एंगल सी, ओके, इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू द सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द थर्ड एंगल, और थर्ड एंगल है अपना ए। डिटरमाइन द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल, तो थर्ड एंगल का मेजरमेंट निकालना है, ये गिवन कंडीशन है दोस्तों, एक गिवन कंडीशन। और आपको प्रॉपर्टी मालूम है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या है दोस्तों, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल बी और सी की मेजरमेंट आपको यहां पर दी है। बी और सी देखो आपके पास यहां पर है, इसका मेजरमेंट है दोस्तों ए, और ए एंगल ए एज इट इज, अपना जो फर्स्ट एंगल ए है ए एज इट इज है, एंगल ए ये यहां से गिवन में से लाया हूं इज इक्वल टू यहां पर 180 भी एज इट इज है, तो ये कहां से लाया मैं, गिवन में से लाया, ये बात ध्यान दे लो। और आपको मालूम है एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 2 एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो आपको एंगल ए की मेजरमेंट निकालना है, तो डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड, तो अपना 2 यहां पर कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, ये 0, तो आपको यहां पर एंगल ए का मेजरमेंट मिल जाएगा 90 डिग्री। और डिटरमाइन द मेजर ऑफ थर्ड एंगल, द मेजर ऑफ थर्ड एंगल इज 90 डिग्री, तो ये एंगल आएगा दोस्तों 90 डिग्री का, ये बात आपको ध्यान में लेना है। ओके, देखते हैं दोस्तों थर्ड क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए। देखो कंपास लेना है, कंपास में से स्केल, स्केल लेने के बाद आपको 6 सेंटीमीटर यूनिट का एक 6 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करना है, यहां पर लाइन सेगमेंट, इसका मेजरमेंट सपोज दैट दोस्तों यहां पर है 6 सेंटीमीटर, सपोज दैट मैं ए बी लेता हूं, एक रफ फिगर यहां पर निकाल लेना है प्लीज, ये ए बी दिया है यहां पर 6 सेंटीमीटर और सी, ए बी 6 है, ए बी 6 है, ये रफ फिगर है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये 6 सेंटीमीटर मेजर करने के बाद जो अपनी कंपास है, कंपास का आयरन एज ए पर रखो, और जो अपनी पेंसिल है उसका यहां पर आर्क निकालो, उतना ही डिस्टेंस लेकर कंपास का जो आयरन एज है वो बी पर पुट करो, और पेंसिल यहां पर उसका आर्क ड्रॉ करो, आर्क ड्रॉ करने के बाद आपको यहां पर ए सी पॉइंट मिल जाएगा दोस्तों, ये यहां पर आपको सी पॉइंट मिल जाएगा, प्लीज यहां पर सी पॉइंट मिल जाएगा। ओके, ये यहां पर है, और स्केल लेना है और एसी को जोड़ देना है, और स्केल लेकर बीसी को
जोड़ देना है. दिस इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल ऑफ एबीसी. दिस इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल ऑफ एबीसी. इस प्रकार दोस्तों आपको क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व करना है. दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और बोर्ड एग्जाम को कॉन्फिडेंस के साथ देना. तो मैं फिर से एक बार जून में होने वाली अपनी बोर्ड एग्जाम के लिए मैं बेस्ट ऑफ लक देता हूं. बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड्स. थैंक्स.